नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब से पिछले साल से 24 फरवरी 22 से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, डामाडोल हो गई है। अब वो दुनिया नहीं रही जो 24 फरवरी 2022 से पहले थी। पहले तो लगता था, खुद शायद रूस ने भी ऐसा सोचा होगा और बाकी दुनिया भी कुछ, मतलब कम से कम हम जो छोटे ममालिक हैं वो ऐसे सोच रहे थे कि यूक्रेन क्या मुकाबला कर पाएगा, हफ्ता या दो हफ्ता जंग चलेगी, यूक्रेन को घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक पिद्दी सा मुल्क, छोटा सा, सोवियत यूनियन से ही निकला हुआ, उसको अभी तकरीबन 1.5 साल होने को आया है, 16 महीने हो गए हैं अब तक वो साबित कदमी से रूस जितनी वर्ल्ड पावर के सामने खड़ा है और अभी तक किसी भी किस्म की कमजोरी दिखाई नहीं दे रही। ये अलग बात है, उसको मगरबी ममालिक की मदद हासिल है, लेकिन ध्यान में रहे कि जंग वो कर रहा है, जंग न अमेरिका कर रहा है न यूरोप कर रहा है, जंग यूक्रेन के अपने लोग कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं। तो ये एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है पूरी दुनिया के लिए। दूसरी तरफ चीन जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है, इकोनॉमिक पावर है, हाँ जहाँ तक कि उसकी जो है मिलिट्री पावर का सवाल है, अभी तक उसको वक्त लगेगा रूस या अमेरिका तक पहुँचने के। भले वो बाहर से किसी तरह के भी बड़के मार रहा हो, लेकिन एज फार एज मिलिट्री पावर इज कंसर्न्ड, चाइना लैग्स फार फार बिहाइंड यूएसए। तो क्योंकि चीन बड़ी माशी ताकत बन चुका है, तो अच्छा, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन टूट गया तो छोटे छोटे ममालिक में बट गए। तो यूं समझ लीजिए कि उस वक्त तो ऐसा लगता था कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई है, दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर था, सिर्फ यूएसए या अमेरिका। तो चीन ने, जब चीन का रिसर्जेंस हुआ, तो उसने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और खामखा वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना बुलिंग, वो बुलिंग करता रहा, वियतनाम को बुलिंग करता रहा, साउथ चाइना सी में जो भी उसको जजीरे नज़र आए सब के ऊपर उसने कब्ज़ा करना शुरू किया और ये बोलना शुरू किया कि ये सब उसके अपने हैं। और इस तरह उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, जापान को भी नहीं छोड़ा, ताइवान के ऊपर तो उसका वैसे भी वो धावा रहता ही है, बोलता है कि ये मेरा ही हिस्सा है। वो ये अलग बात है कि ताइवान वाले बोल सकते हैं कि तुम हमारा हिस्सा हो, क्योंकि उस वक्त जो चीन का बादशाह था वो जाके ताइवान में बैठ गया था। तो हकीकत में उस लिहाज से तो चीन ताइवान का, खैर उसको हम छोड़िए, उस बात पर हम बात नहीं करेंगे। तो चीन की दादागिरी सबके ऊपर चलती है, यहाँ तक कि जो उसके दोस्त ममालिक हैं, फिलिपीन है, फिलिपीन को भी नहीं छोड़ता है, जबकि फिलिपीन तो फिर वो चाइना है, उसके ऊपर भी अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। और हिंदुस्तान के साथ तो आपको मालूम है, 62 में उसने जंग की, अक्साई चीन का हिस्सा छीन लिया, और अभी तक, अच्छा 2020 में जब भी कोरोना शुरू हुई, उसने ये सोच करके अभी कोरोना के वक्त में सब लोग ठंडे पड़ गए हैं तो मैं फ़ायदा ले लूँगा, गर्मियों के दिनों में उसने जो है अपनी फौज गलवान के हिस्से में भेज दी, हिंदुस्तान ज़रा देर से जागा लेकिन उसने उसे रोक दिया। और वो दिन, आज का दिन अभी तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल में जून 20 की बात है और ये जून ही है 23 का। तो उस वक़्त से फिर हिंदुस्तान ने भी क्या किया कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जितनी फौज चीन ने भेजी
हिंदुस्तान ने भी भेजी। हमने सुना है कुछ तकरीबन 50,000 फौज अगर दूसरी तरफ चीन की खड़ी है तो इस तरफ से 50,000 फौज भारत की भी खड़ी है। रूस अगर वहाँ पर टैंक लाया है तो भारत भी यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे 12-13,000 फीट की एलिवेशन पर टैंक भी लेके गया है। हवाई पावर एयर पावर भी अगर उसने बनाया है तो भारत ने भी बनाया है। तो इस लिहाज से भारत उसका इस वक्त मैच साबित हो रहा है। उसको अभी मालूम हो गया है ये 1962 नहीं कि उसको केक वाक मिलेगा, बस अंदर घुस के कब्जा कर लेगा। अभी जो है भारत किसी को भी किसी की भी जारहान आजाइम का भले उसमें चीन हो या कोई भी हो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। 62 में उस वक्त की जो भारत की सियासी हुकूमत सियासी मतलब पावर था, नेहरू था उस वक्त हिंदुस्तान का वजीर आजम, और वो सपनों की दुनिया में रहता था। वो ये सोचता था कि अगर वो अमन पसंद है तो बाकी दुनिया भी अमन पसंद हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। अमन आप रिक्वेस्ट करके दरख्वास्त करके किसी से नहीं ले सकते। अमन जो है ना सिर्फ ताकत से ही कायम किया जा सकता है। अगर मदे मुकाबिल के पास 10 राइफल है तो तुम्हारे पास भी 10 नहीं तो 8 तो होने ही चाहिए, तभी वो रुकेगा। नहीं तो अगर वो सोचेगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो वो दंदनाता आएगा और तुम्हें अपना महकूम बनाने लगेगा। तो इसीलिए ये सोचना ज़रूरी है। और ये 62 के बाद हिंदुस्तान को पता चल गया और फिर उसने जो है अपनी आर्मी पावर बढ़ानी शुरू की। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रहे कि आर्मी पावर जो है ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट होल्ड। अगर उसको जो है मतलब ताकत उसके पीछे माशी ताकत नहीं होती, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि जो जंग है ना दुनिया की मोस्ट कॉस्टली लग्जरी है, सबसे ज़्यादा महंगी आयाशी है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी जैसे रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है तो ये यूक्रेन को मगरबी ताकतें हैं जो संभाले हुए हैं, नहीं तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होता है यहाँ पर। एक एक जो है ना बम 5-5 मिलियन डॉलर का होता है। ये अलग बात है, अभी जैसे आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के 1.1 बिलियन डॉलर उसकी किस्त है IMF से जो लेने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसको तकरीबन 6 माह हो गए हैं, उसको अभी तक वो किस्त नहीं मिली। तो समझ लीजिए कि अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है तो आर्मी पावर आपका किसी भी काम का नहीं है। नाज़रीन आज से 70-75 साल पहले चले जाएं, सुनते हैं कि बरतानिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान का बंटवारा करवाया, पाकिस्तान को पैदा करने में इनका हाथ था। क्योंकि उस वक्त जो रिसर्जेंट रशिया मतलब सोवियत यूनियन था उसको और चीन को जो कि कम्युनिस्ट दोनों ममालिक कम्युनिस्ट थे उनको कंटेन करने के लिए उनको जो है रसाई चाहिए थी सेंट्रल एशिया तक। और वो भारत की उस वक्त की जो लीडरशिप थी यानी कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू या पटेल मौलाना आज़ाद वगैरह वो उनको किसी भी सूरत में दे नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम क्यों ना ये जो उस वक्त के हिंदुस्तान का जो मगरबी हिस्सा था उसको तोड़ दिया जाए, उसको अलग मुल्क बना दिया जाए और फिर उसको अपनी तहवील में एक तरह से ले लिया। शुरू से ही लेकर पाकिस्तान जो है कायदे आज़म के वक्त से मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त से जो है ना वो प्रो अमेरिका रहा है। और फिर तो 58 के बाद जब ही जनरल अयूब खान पाकिस्तान का सदर बना तो फिर तो पाकिस्तान उनके मिलिट्री अलायंसेस में शामिल हो गया, यानी सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो बगदाद पैक्ट भी जिसे कहते थे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों का मेंबर बन गया। और उसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका की इमदाद मिलने लगी बेतहाशा। ये अलग बात है कि उसे हकीकत में इसकी
मना थी कि वो जो अमेरिका से जो उसको हथियार मिलते हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसने इस बात की खिलाफ वर्जी की और 1965 में उसने वही हथियार जो अमेरिका से मिले थे वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। अच्छा खैर, उसके बाद फिर आता है 1979 जब रूस की फौजें, मतलब सोवियत यूनियन, उस वक्त सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन की फौजें अफगानिस्तान में आई तो उनके खिलाफ जो है मार्का करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और पाकिस्तान ने खुशी खुशी अपने आप को इस्तेमाल होने दिया जनरल ज़ियाउल हक ने, क्योंकि उसको डॉलर मिल रहे थे, धड़ाधड़ डॉलर मिल रहे थे। तो पाकिस्तान की फौजों ने उस वक्त किराए के टट्टू का काम किया, देवर मर्सिनरीज, उन्होंने अपनी फौजें और फिर पाकिस्तान में जो है कई सारे मदारस कायम किए और अफगान बच्चों को जो है इस्लामी तामील दिए और उन्हें टेररिस्ट बनाया। और भले वो उसे मुजाहिद कहते हो लेकिन वो टेररिस्ट थे, उनको टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान में भेजा। खैर 10 साल में वैसे भी जो है सोवियत यूनियन जो है ना अपनी ताकत से बढ़कर खर्चा करने की वजह से, और उसके पीछे उसको इकोनॉमिक पावर नहीं था, तो आर्मी पावर के ज़्यादा होने से अकेले से, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, वो नहीं हो सकता जब तक इट इज़ नॉट बैक्ड बाय इकोनॉमिक पावर। तो 90 में तो सोवियत यूनियन टूट गया और उससे वो पहले ही अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। फिर 2001 में पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी अमेरिका को, तो उन्होंने वो जो ओसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया था और अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, फिर से पाकिस्तान को डॉलर मिलने लगे और फिर से पाकिस्तान ने अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह पाकिस्तान तो शुरू से अमेरिकन कैंप में रहा है। अब ये अलग बात है कि 15 अगस्त 2021 को जब ये अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तरह फेंक दिया जैसे टिश्यू पेपर, अब उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। अब रूस जो है न तो खैर मिलिट्री पावर तो है लेकिन उसको एक यूक्रेन भी कंट्रोल में रख सकता है, कंटेन कर सकता है, और अब सिर्फ वर्ल्ड पावर बचा है चीन, तो उसको कब्जे में कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत जो है वो उसको, भारत को वो कोशिश करके अपने दायरे इख्तियार में लाना चाहता है और चाहता है कि भारत नाटो प्लस में शामिल हो जाए। अभी ये नाटो प्लस क्या है? नाटो तो वैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूरोप और अमेरिका के बीच के जो ममालिक हैं उनके बीच में माहदा है, लेकिन ये नाटो प्लस यानी नाटो के जो ममालिक हैं उनके साथ 5 ममालिक और भी हैं, इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और न्यूजीलैंड है, ये 5 ममालिक पहले ही इसमें शामिल हैं और अमेरिका चाहता है कि भारत भी इनमें शामिल हो जाए। तो इसीलिए अभी अमेरिका जा रहा है, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मोदी इसी महीने जून में उधर उसकी मीटिंग है, ऑफिशियल विजिट पे जा रहा है। तो अभी कल जो है अमेरिका का वज़ीर दिफा जो है लॉयड ऑस्टिन वो दिल्ली आया है और वो राजनाथ सिंह के साथ ये बात कर रहा है, भले वो बाहर से कुछ ना बोलेंगे लेकिन उनका असली मकसद यही है कि हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह राज़ी कर लें कि वो नाटो प्लस का मेंबर बन जाए। लेकिन हिंदुस्तान शुरू से लेकर जो है किसी भी किस्म की मिलिट्री अलायंस से दूर रहा है, और हिंदुस्तान ही था ये जवाहरलाल नेहरू के वक्त से कि ये नॉन अलाइंड जो है कंट्रीज़ की इन्होंने जमात में नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम जिसे बोलते थे गैर जानबदार मुल्कों की तंजीम बनाई थी, तो हिंदुस्तान शुरू से नॉन अलाइंड रहा है। ये अब देखें कि हिंदुस्तान क्या फैसला करता है। अब इसमें फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, फ़ायदे तो यहाँ तक हैं कि अभी जो वारसा पैक्ट के जो उस वक़्त के सोवियत यूनियन के जो इतिहादी थे वो भी अभी नाटो में शामिल हो गए हैं, हंगरी है, पोलैंड है, ये भी शामिल, और दूसरे भी, अभी स्वीडन कोशिश कर रहा है उसको नहीं मिल रही, फिनलैंड तो हो गया,
नाटो का मेंबर। अभी भारत को तो यूं समझ लीजिए कि प्लेटर पर रख कर वो नाटो की मेंबरशिप दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक तो जो आर्मी की है ना, ज़्यादातर उसका जो हार्डवेयर है वो रूस से ख़रीदा गया है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह का मसला होगा। और वैसे भी जो हिंदुस्तान है ना, उसकी 75 साल से सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती रही है, तो रातों रात तो बदली कर नहीं सकता हिंदुस्तान अपनी तरजीहात या अपनी जो है पॉलिसी। अब देखें हिंदुस्तान क्या फैसला करता है। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जो है ना, इस बात पर अपनी राय का इजहार करें, इसी में कमेंट में अपनी अपनी राय का इजहार करें। क्या भारत को नाटो का मेंबर बनना चाहिए? क्या भारत को नाटो का मेंबर बनने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि अगर कल खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई अमेरिका और रूस में, तो अमेरिका की तो सरहद नहीं मिलती चीन से, तो वो जंग होगी या तो हिंदुस्तान में होगी या फिर ताइवान में होगी। ये दो जगह ही हैं जो कि चीन के साथ जिनकी सरहदें मिलती हैं, तो इधर ही हो सकती है। तो ये सब सोचना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और नाट। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।